सिद्धार्थ शुक्ला से मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला, ना हमारा आमना सामना हुआ है, कि सिर्फ एक ही आदमी नजर आता है पूरे शो में, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। मैंने देखा नहीं यार, ये लड़का तो अच्छा है, सिद्धार्थ को पकड़ के चल रहा है, बड़ा भाई मान के चल रहा है। बट लेटर ऑन जब मैंने देखा कि वो पीठ में छुरा फूंक दिया उसके और तुम उसके ही अगेंस्ट खड़े हो गए, सलमान खान को क्या लेना देना है इन लोगों से, वो तो होस्ट कर रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए, आपको हिंट दे के जाते हैं। संतोष भाई, बिग बॉस के आते ही ना आपकी अलग ही धमक सुनाई देती है, मतलब छाए हुए हैं अभी। अच्छा। दबंग 3 आई, अब बिग बॉस, मतलब हर तरफ आपके रिव्यूज, व्यूज, ओपिनियंस छाए हुए हैं, क्या कहना चाहें? नहीं, इसके बारे में तो जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से वो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कह देता हूँ अपनी बात को, और बिल्कुल चूकता नहीं हूँ, और बहुत ही बेबाक और बिंदास अंदाज में बात करता हूँ, क्योंकि डर तो सिर्फ ऊपर वाले से लगता है और बाकी किसी से लगता नहीं है, और ये शुक्लाओं की खासियत है। तो एक शुक्ला तो यहाँ ये बोल चुका है, दूसरा शुक्ला जो है वो बिग बॉस के घर के अंदर दहाड़ रहा है, और जब वो दहाड़ता है तो बाकी लोगों की पतलूने गीली हो जाती हैं, वो नज़र आ रहा है दोस्त। और मतलब लोगों को ये लग रहा है क्योंकि आप खुलकर इतना समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, तो उनको लगता है कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन? सिद्धार्थ शुक्ला से मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला, ना हमारा आमना सामना हुआ है, और हमने कभी काम नहीं किया साथ में, कुछ नहीं। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ना मेरे दोस्त हैं। मैं उनको उनके गेम से जाना, जो उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 यानी कि 13 में गेम खेलना शुरू किया है, वो उसकी सच्चाई जो थी उसको मैंने सपोर्ट किया, उसको पहचानना शुरू किया, और मुझे लगा नहीं यार, ये शुक्ला को अगर इस शुक्ला ने सपोर्ट नहीं किया तो इसका मतलब यह गद्दारी हो जाएगी शुक्लाओं के साथ। तो वो एक अंदर से आवाज़ आई, और यकीन मानना मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वो एक अंदर से आवाज़ आई कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए इस इंसान को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच्चा लग रहा है, टारगेट लग रहा है, हर आदमी इसको घेर रहा है, इसको पोक कर रहा है ताकि ये कुछ बोले और फिर वो आदमी थोड़ा दिख जाए। टारगेट की बात आई, संतोष भाई ऐसा हो रहा है कि आप जो स्ट्रांग ओपिनियंस दे रहे हो ना अपने, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कई लोग आपको निशाने पे ले रहे हैं, आपको आते भी होंगे फीडबैक, लिखते भी होंगे, क्योंकि वायरल हो रहे हैं वीडियोस टैली मसाला पे, जितने भी हमने आपके इंटरव्यूज़ किए वो इतना लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे कमेंट्स भी करते हैं कई लोग, तो फिर आप ये इन टारगेट्स से या ट्रोल से डरते हैं? मेरी जान, मैंने ये आपका जो शो है शुरू होने से पहले ही कह दिया कि संतोष शुक्ला सिर्फ ऊपर वाले से डरता है, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, बिल्कुल नहीं डरता हूँ, और क्यों डरना किसी से यार, आप हैं मतलब सीधे बैठे हैं, चुप बैठे हैं तो सुधामा मत समझना, अगर ज़रा सी भी सटक गए तो परशुराम बनने में वक्त नहीं लगेगा संतोष शुक्ला को, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। तो मैं ये अभी मुझे बहुत आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम समवन्स ब्लाइंड फॉलोअर्स, जिनको ये लगता है कि कोई सही है, लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, यहाँ अपनी आवाज़ अपनी उठाने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, तो मैं खुलेआम चौड़े में बोल रहा हूँ अपनी बात कि सिर्फ एक ही आदमी नज़र आता है पूरे शो में, वो है सिद्धार्थ शुक्ला, और मैं उसको खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आशीष, क्योंकि तुम मुझे जानते हो बहुत सालों से और तुम्हें ये इस बात का अंदाज़ा भी है कि मैं किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये, मैं किसी अपने, माय ट्विटर इज़ ऑलरेडी सस्पेंडेड क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसी ही गद्दावर बातें लिख दी थी, माय टीम इज़ वर्किंग फॉर दैट एंड इट विल कम बैक वेरी सून, बट मैं अपने कोई फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई भी लाइमलाइट में आने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चे दिल से संतोष शुक्ला ने सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया है, पहली चीज़ है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज तुमको, और क्योंकि बातों से बात निकलती है, बातों से बात निकलती है, तो शो में मैंने देखा किसी एक इंसान को सिद्धार्थ शुक्ला के बाप को उल्टा सीधा बोलते हुए, आसिम की बात, हाँ आसिम की बात, मैं हालांकि अब उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, और ओपिनियन एक बार दी जाती है, बार बार नहीं, मेरी ओपिनियन बदलेगी नहीं जब तक कोई इंसान नहीं बदलेगा। हाँ, शुरुआत में मैंने उसको पसंद किया, मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, और मैंने देखा नहीं यार, ये लड़का तो अच्छा है, सिद्धार्थ को पकड़ के चल रहा है, बड़ा भाई मान के चल रहा है, बट लेटर ऑन जब मैंने देखा कि वो पीठ में छुरा फूंक दिया उसके और तुम उसके ही अगेंस्ट खड़े हो गए, जस्ट क्योंकि तुमने देखा कि ये सिद्धार्थ शुक्ला जो आ रहा है इसकी तारीफ कर रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला जीतेगा, सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो इस शो की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, तो वो हड्डी को तोड़ने की कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं गद्दारी दिखाती है, तो वो उस चीज़ से मुझे नफरत है, परहेज है, मुझे जो बोलना था उस पर बोल चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, पहली चीज़।
तो भैया ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसने सिद्धार्थ शुक्ला के फादर के बारे में बोला जो अब इस दुनिया में नहीं है. आई कैन रिलेट टू दैट. मैं वो फीलिंग का वो मुझे एहसास है, मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि आई थिंक इट्स बीन 3 years आई लॉस्ट माई डियर डैड मोहन शुक्ला जी जो अब इस दुनिया में नहीं है. सो मुझे पता है कि जब जो इंसान दुनिया में नहीं है उसके बारे में जब आपको कुछ उल्टा सीधा कोई बोलता है ना तो कितना खून खौलता है और कितना गुस्सा आता है और उस वक्त क्या लगता है आपको कि मैं इस इंसान का क्या कर दूं. तो मैं वो फील कर पाया कि सिद्धार्थ शुक्ला के अंदर उस वक्त क्या रोष पैदा हुआ होगा और क्या जोश पैदा होगा और किस किस्म का गुस्सा आया होगा उसको. संतोष भाई, असीम के जो फॉलोअर्स हैं वो ये बोलते हैं कि सिद्धार्थ भी कई बार मतलब पर्सनल हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो एक बार अगर असीम ने कर दिया तो गलत क्या है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है. मेरे ख्याल से कौन फॉलोअर्स हैं मैं तो नहीं जानता हूँ, और मैंने बोला ना मैं आसिम को जानता भी थोड़ा बहुत हूँ उससे पहले, बट हिंदुस्तान की जनता और आवाम नहीं जानती होगी उनको. उनको तो ये प्लेटफॉर्म मिला है, उसको बहुत कड़क तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए इसका, ताकि वो बाहर आकर के रॉक करें, कुछ अच्छा काम करें. मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ. लेकिन इस तरीके की हरकतें, ओछी और खटिया हरकतें करोगे तुम, अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करोगे. मेरी छोड़ दो, मेरी जान मेरी छोड़ दो. सलमान खान साहब ने क्या बोल दिया शनिवार को? उन्होंने बोल दिया ना दैट यू आर लुकिंग ब्लडी इरिटेटिंग, यू आर लुकिंग लाइक अ नैक. मतलब तुम्हारी वैसे मैंने शो देखना बंद कर दिया. वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगे हो कि वो शो देखना बंद कर दिया है, ये उन्होंने आसिम को बोला. तो मैं तो क्या हूँ भाई. नहीं, और रश्मि और आसिम को देखा भी गया कि वो बातचीत कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं बायस्ड हैं. इवन सलमान खान पे भी कई बार उंगलियाँ उठी कि सिद्धार्थ को फेवर किया जा रहा है. जो क्रिएटिव हेड हैं बिग बॉस के, उसको लेकर भी ये बातें उठ रही हैं कि क्या ये शो जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के बायस्ड है, उसको लेकर बायस्ड. नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल रबिश यार, इट्स ऑल रबिश. और ये सब खरीदे हुए फेक फॉलोअर्स होते हैं आपके, और जिनके ना आँख होते हैं ना नाक होते हैं ना कान होते हैं, और ये सब बकवास बातों के लिए ही ट्रेंडिंग कराई जाती है फेक. ये मैं सब समझता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ. मुझे लगता नहीं कि ये ऐसी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज़ हर सीज़न में सलमान खान साहब को घसीटा जाता है कि वो बायस हो रहे हैं और वो किसी एक कंटेस्टेंट का साथ दे रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है यार. उनका क्या लेना देना, ये जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको क्या लेना देना है इन लोगों से यार. इज सच अ बिग सुपर, सच अ ह्यूज मेगा सुपर स्टार. सलमान खान को क्या लेना देना है इन लोगों से. वो तो होस्ट कर रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए, आपको हिंट दे के जाते हैं हर जुम्मे की रात, शनिवार की रात, शनिवार के वार में आपको समझा के जाते हैं बार बार कि भैया ये मत करना, तुम दिख नहीं रहे हो, मतलब अब कुछ ऐसा करो कि दिखो, बट ऐसा मत करो. दो तरीके होते हैं उन्होंने बोला दिखने के, एक अच्छा और एक बुरा भी हो सकता है ना. तो बुरे तरीके को क्यों अपना रहे हो यार. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, अगर कोई टैलेंट है अंदर तो वो दिखाओ ना, गाने गाओ, कॉमेडी करो, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाओ, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में शेयर करो, अपने जो तुम्हारे नए फैंस बन रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ करो, ऐसी बातें करो. बट ये सब बातें मत करो यार कि किसी के बाप पे जा रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, वो गलत है. इनफैक्ट आशीष, मेरे दिमाग में एक और एक ख्याल आया था, और अच्छा हुआ अभी ये सब बात पूछी आपने. तो I am really looking forward to meet Siddharth's mother also. हाँ हाँ, because मुझे पता है मेरी माँ अकेली हैं, और मतलब माशाल्लाह भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, सब कुछ हैं, वो लखनऊ में रहते हैं आजकल, तो मम्मी यहीं आई हुई हैं. बट मैं फिर भी मतलब मैं फील कर सकता हूँ वो इमोशन, वो दर्द. तो मैं, मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जा कर के उनसे मिलूँगा एक बार, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ से, और उनको ये एश्योरेंस दिलाऊँगा. आई एम श्योर कि उनके आसपास बहुत सारे काबिल और बहुत सारे समझदार और अच्छे लोग होंगे, बट उनमें से एक गिनती अपनी भी करवा दूंगा कि संतोष शुक्ला भी आपका बेटा है और मैं हूँ. कभी भी कहीं भी आधी रात को आपको कोई भी ज़रूरत लगती है, और आपका एक बेटा अंदर है शो में तो दूसरा बेटा बाहर है, तो मुझसे कुछ भी अगर आपको लगे कि मैं किसी भी काम आ सकता हूं तो हक से अपना बच्चा समझ के मुझे याद कर लीजिए. मतलब बिग बॉस और सलमान भाई, क्योंकि आपका काफ़ी जुड़ाव जो है, जो बॉन्डिंग है, फैमिली है, आप एक तरीके से बोलते हैं.